हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कॉन्वेक्स सेट एंड कॉन्वेक्स फंक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे और ये लेक्चर नंबर 8 है। अब फ्रेंड्स, इसमें भी हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड होंगी। उसमें हमारे पास फर्स्ट थ्योरम जो है वो है हमारे पास प्रूव दैट फेजिबल सेट या फेजिबल सेट इज अ कॉन्वेक्स सेट। कोई प्रॉब्लम है उसका हमारे पास फेजिबल सेट है वो एक कॉन्वेक्स सेट होगा। फर्स्ट थ्योरम फ्रेंड्स ये है। सेकंड थ्योरम जो हम पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन of LPP is a convex set। तो फ्रेंड्स, हमारे पास दो थ्योरम्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरम प्रूफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। प्रूफ, तो प्रूफ दैट फेजिबल सेट ऑफ अ कॉन्वे ऑफ अ LPP, वो लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम है उसका हमारे पास जो फेजिबल सेट है वो एक कॉन्वेक्स सेट है। फ्रेंड्स, पहले ये हम शो कर रहे हैं। लेट, पहले हमने क्या किया, एक हमने प्रॉब्लम एज्यूम करनी है। प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम जेड एज्यूम कर लिया हमने, सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी और एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये जरूरी नहीं है हम एज्यूम करें या ना करें, बट ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी ये हमारे पास एक पॉइंट्स है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फ्रेंड्स, LPP की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको डिफाइन किया है। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको शो कर देंगे तो उसके बाद हम हर किसी फॉर्म के लिए मान लेंगे, क्योंकि हर फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये हम पहले पुराने वीडियोज में बता चुके हैं। कोई भी फॉर्म हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कोई एक LPP है जो कि गिवन LPP है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने इसको कुछ पॉइंट्स लेने। तो फेजिबल सेट में क्या पॉइंट्स होंगे फ्रेंड्स, फेजिबल सेट में वो पॉइंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो लेट एक्स वन एक्स टू आर एनी टू पॉइंट्स। फ्रेंड्स, ये जो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं ये इस थ्योरम्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ LPP भी कहते हैं। इस थ्योरम्स को हम एक नाम और देते हैं जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ LPP। पहले हम ये पढ़ रहे हैं लेट एक्स वन एंड एक्स टू आर टू पॉइंट्स। अगर एक्स वन और एक्स टू टू पॉइंट्स विच आर फेजिबल या फेजिबल रीजन के कोई दो पॉइंट्स ले लिए हमने एक्स वन एंड एक्स टू। अगर ये दो पॉइंट्स इस सेट के हैं तो हमारे पास ए एक्स वन लेस देन इक्वल टू बी होगा और ए एक्स टू लेस देन इक्वल टू बी होगा। ये हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब फिर हमें क्या शो करना है, इसको कॉन्वेक्स शो करने के लिए क्या करना होगा, लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, जो कि जेड कोई पॉइंट है जो कि लेमड़ा की वैल्यू के लिए आएगा 0 to 1 के लिए। ये हमारे पास ये जो पॉइंट है जेड, इसका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है ये पॉइंट सेट भी पूरा इसी माना चाहिए, यानी लीनियर लेमड़ा की हर वैल्यू के लिए जो पॉइंट आएंगे अलग अलग, ये सारे पॉइंट्स फिजिबल रीजन में आने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें एक जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई कर लिया, ए लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास, इसको हमें लेस देन इक्वल टू बी शो करना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया, ये इसको हम ए जेड ले सकते हैं, ये ए जेड है। ये लेमड़ा जो कि कॉन्स्टेंट है, एक सिंपल कॉन्स्टेंट है, तो इसको लेमड़ा को बाहर ले सकते हैं, ए एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा ए एक्स टू। अब फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन है, ए एक्स वन लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि ये बी जो है कुछ बड़ा नंबर है और इधर भी बी जो है कुछ बड़ा नंबर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास कुछ बड़ा नंबर पुट कर रहे हैं छोटे नंबर की जगह, ए एक्स वन की जगह हम बड़ा नंबर पुट कर रहे हैं। तो लेमड़ा, चूँकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कंडीशन होती है बी आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास लेमड़ा बी प्लस वन माइनस लेमड़ा बी। तो ये हो गया, हमने कोई बड़ा नंबर लिया है तो इधर के नंबर जो होंगे वो छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास,
लैम्डा लैम्डा बी प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा बी लेस देन इक्वल टू सॉरी बी, ये था बी। तो यहाँ से हमारे पास ये जेड इज लेस देन इक्वल टू बी आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सेट फेजिबल सेट है या फेजिबल रीजन है वो कॉनवेक्स सेट होता है। अब फ्रेंड्स हम सेकंड थ्योरम पे मूव करते हैं। तो सेकंड थ्योरम क्या है हमारे पास, प्रूव देयर द सेट ऑफ ऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज कॉनवेक्स सेट। यानी जो एक सेट है जो कि हर सभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन का कोई भी एलपीपी है उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन का सेट है वो भी एक कॉनवेक्स सेट होगा। हमें ये शो करना है फ्रेंड्स, तो इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स पहले हमें इसे एक जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में LPP को मानना होगा। तो मैक्स इसको ले लिया, मैक्सिमम Z इक्वल टू C ट्रांसपोज X सब्जेक्ट टू ए एक्स बराबर बी इज अ गिवन LPP। फ्रेंड्स बराबर भी ले सकते हैं, लेस देन इक्वल टू को साइन भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म की LPP है उसमें हम स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल ऐड कर दें तो हमारे पास इस फॉर्म की LPP आ जाएगी। आप ये भी ले सकते हो AX लेस देन इक्वल टू बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने ले लिया कि एक सेट हमने एज्यूम किया है जिसमें ये है x1 x2 .xn कुछ पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमारे पास सेट जो सॉल्यूशन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। इन सारे पॉइंट्स पे सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। अब चूँकि इन पॉइंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो इसमें मैक्सिमम जेड की वैल्यू जो कि हमने सी ट्रांसपोज एक्स थी इसको हमने एम मान लिया कि ये मैक्सिमम जेड जो थी एम थी। तो एम बराबर जो होगा वो होगा सी ट्रांसपोज एक्स वन बराबर सी ट्रांसपोज एक्स टू बराबर डॉट डॉट चलते हुए सी ट्रांसपोज एक्स एन, यानी कि हर एक्स आई के लिए एक मैक्सिमम होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अब फिर हमें शो करना है कि इसके जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं इस सेट से कोई हम एक किन्हीं भी दो पॉइंट्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे वो भी इसी में शो कर आएगा। तो हमने लेट एक्स आई एंड एक्स जे आर एनी टू पॉइंट्स ऑफ एक्स। हमने एज्यूम किया कि एक्स आई एंड एक्स जे आर टू कोई दो पॉइंट्स है जो कि एक्स के पॉइंट्स हैं। नाउ अब इसके लाइन सेगमेंट को शो करने के लिए हमने एक जेड ले लिया, जेड बराबर जो है वो उसके लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स को शो कर रहा है और वो है हमारे पास लैम्ब्डा एक्स आई प्लस वन माइनस लैम्ब्डा एक्स जे। अब फ्रेंड्स अगर हम ये शो कर दें ये जेड इक्वल टू एम तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो जेड है ये भी यानी कि जेड पे जो इस लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स कौन ऑप्टिमल होंगे। तो ये हमें शो कर देंगे तो हम कह देंगे कि ये जो सेट है वो कॉनवेक्स सेट है। तो अब फ्रेंड्स ये कर रहे हैं तो ए और जेड क्या है लैम्ब्डा एक्स आई प्लस वन माइनस लैम्ब्डा एक्स जे बराबर ये हो गया हमारे पास लैम्ब्डा एज अ कॉन्स्टेंट है सिंपली तो ये लैम्ब्डा बाहर आ जाएगा ए एक्स आई प्लस वन माइनस लैम्ब्डा एक्स जे ए एक्स जे। तो फ्रेंड्स ए एक्स आई और ए एक्स जे बराबर क्या है हमारे पास यहाँ पे एम है, ए एक्स आई ए एक्स जे को इसके पॉइंट्स में बीच में होंगे तो ए एक्स आई और ए एक्स जे बराबर एम है क्योंकि ये पॉइंट्स उसी एस एक्स के पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया लैम्ब्डा एम प्लस वन माइनस लैम्ब्डा एम। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास लैम्ब्डा एम प्लस एम माइनस लैम्ब्डा एम तो ये हो गया एम। तो फ्रेंड्स ए जेड बराबर भी हमारे पास एम आ गया तो इस कंडीशन में हम कहेंगे जो सेट है वो कॉनवेक्स सेट है। अब फिर कुछ कंडीशंस यहाँ पे हमारे पास बच जाते हैं, कुछ केस बच जाते हैं। अगर ऐसा हो कि एक्स फाइव हो, एक्स अगर फाइव हो यानी कोई भी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि एलपीपी कई एलपीपी हमारे पास ऐसी होती है जिनके ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में हम जो एक्स है वो ट्रेवली कॉन्वेक्स मानते हैं क्योंकि जो x बराबर 5 हो वो 5 जो सेट होता है वो कॉन्वेक्स सेट होता है। और अगर कोई वन ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में जो सेट ऑफ एलिमेंट पे हमने पहले भी पढ़ा था जो कोई एक सेट होता है अगर किसी सेट में तो वो सेट भी कॉन्वेक्स होता है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पास दो केस बन जाते हैं, अगर एक्स बराबर ओनली वन एलिमेंट हो तो भी हमारे पास ये कॉन्वेक्स सेट है। अगर फ्रेंड्स आपको इन प्रॉब्लम टॉपिक्स में कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761 एंड मेरी जी मेल आई डी वो है HITESHMEENA00155@gmail.com। तो फ्रेंड्स आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।